गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आलोक गुप्ता फ्रॉम आरबीसीबी स्कूल बेलथरा. ओके, टुडे आई रीड क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थर्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड क्लीनिंग फूड. आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है कि फिफ्थ नंबर पे दिया है, लेकिन जो हम लोगों का ये बुक है इसमें ये जो है कि चैप्टर थर्ड नंबर पे दिया गया है. देखिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड क्लीनिंग फूड चैप्टर थर्ड पे दिया है. ठीक है, तो हम लोग इस बुक से रीड कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट टाइम सेपरेशन क्या है. ठीक, सेपरेशन रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट. कहने का मतलब कि हार्मफुल और अनवांटेड, ठीक है, कंपोनेंट जो हमारे भोजन में या फूड मटेरियल में जो भी हार्मफुल कंपोनेंट है उसे रिमूविंग, बाहर निकालना, क्या है, सेपरेशन है. दूसरी बात, ऑब्टेनिंग यूजफुल एंड डिजायर कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म. और जो फूड मटेरियल है उसे हम कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तो एकदम क्लीन प्योर फॉर्म में उसे हम प्राप्त कर लेते हैं. तो सेपरेशन से हमें दो चीजें हो गई, एक तो हमें अनवांटेड चीजों को बाहर निकालना, दूसरी जो हमें यूजफुल चीजें हैं उसे हम अलग करना. ठीक, तो ये हमारा सेपरेशन हो गया. सेपरेशन के कुछ मेथड्स हम लोगों को रीड करना है. मेथड ऑफ सेपरेशन और क्या क्या सेपरेशन के मेथड है, तो फर्स्ट है थ्रेसिंग. सबसे पहले हम लोगों का जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग होता है, तो हार्वेस्टिंग के बाद यानी उसकी कटाई होने के बाद उसका हम थ्रेसिंग करते हैं. ठीक है, थ्रेसिंग आप देखे होंगे गांव में थ्रेसिंग होता है. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, ठीक है, इज थ्रेसिंग. ठीक, यानी कि हमें इस डंठल से अनाज को सेपरेट करना, अलग करना क्या है, थ्रेसिंग है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विनोइंग. अब आप देखे होंगे अपने घर पे या गांव में विनोइंग करते हुए, थ्रेसिंग होने के बाद जो उसमें से स्टॉक या कुछ क्या होते हैं, कुछ और अनवांटेड मटेरियल होते हैं, आप देख सकते हैं बुक में. देखिए यहाँ पे विनोइंग हो रहा है, इसे हम आम भाषा में क्या कह सकते हैं, ओसावन कह सकते हैं, ओसाता हुआ किसान ऐसे है. ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. ठीक है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. विनोइंग होता कैसे है, जैसे कि हम किसी हवा में जब एयर ब्लो करती है, चलती है, मूव करती है, तो उसमें हम अनाज को ले लेते हैं किसी पार्ट में और ऊपर से हवा में गिराते हैं. तो जब गिराते हैं, ये फिगर में देख सकते हैं, तो क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल है यानी ग्रेन, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और जो हल्का पार्टिकल है वो क्या होता है, हवा में उड़ जाता है. इसे हम विनोइंग कहते हैं. अब आप देख सकते हैं हैंड पीकिंग, नेक्स्ट पॉइंट है हैंड पीकिंग, हाथ से बिनना या चुनना. ठीक है, आप देख सकते हैं हैंड पीकिंग में आप अपने घर में देख सकते हैं आपकी मदर क्या करते हैं, क्लीनिंग राइस, राइस को चुनते हुए देखे होंगे आप लोग, उसमें स्टोन डस्ट एंड अदर स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उसको क्या करते हैं, चुनती हैं. तो ये क्या हो गया, हैंड पीकिंग हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सीविंग. सीविंग का मतलब होता है चालन या चालना. ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं सीविंग, यहां पे देखिए सीविंग
यानी उसको चालन किया जा रहा है, चाला जा रहा है, या आप और भी घर, किसी का घर बनता है तो उसमें सेंड वगैरह देखते हैं, सेंड को और उसमें बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं उसको अलग किया जाता है सीविंग के माध्यम से, ठीक है। पेबल एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम सेंड एंड सीविंग, तो इस तरह भी हम बड़े पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीविंग मेथड हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? अब देखिए, जैसे कि कैसे सेडिमेंटेशन होगा, आप जो है कि जल ले सकते, वाटर ले सकते हैं, पानी में क्या होता है, जैसे कि बड़े बड़े स्टोन या जो भी चीजें होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है, और या आप कचरा वाला पानी देखते हैं उसको आप किसी पार्ट में रख देंगे कुछ देर तक के लिए, तो क्या होता है उसमें जो भी है हैवियर पार्टिकल वो नीचे की तरफ जो है कि बैठ जाता है और जो फ्रेश वाटर है ऊपर आ जाता है, जिसे हम अलग पार्ट में अलग कर लेते हैं उसी को हम सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिल्ट्रेशन, ठीक। फिल्ट्रेशन, आपको फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो कराया जाएगा, जैसे एक फिल्टर पेपर होगा, ठीक है, इस तरह का आपके लैब में फिल्टर पेपर होगा, ठीक है, फिल्टर पेपर होगा, इसमें हम एक फनल पार्ट लेंगे, पार्ट में एक फनल होगा, ठीक है, ऐसे, और इसमें हम फिल्टर पेपर को फोल्ड करके लगा देते हैं। अब इसमें जब हम पानी को गिराते हैं तो क्या होता है, फिल्टर पेपर से वाटर जो है कि छन जाता है और इसमें आ जाता है, तो फिल्ट्रेशन के कई मेथड हैं। तो इस तरह फिल्ट्रेशन होता है, और भी तरह तरह के फिल्टर आजकल मशीन आ गई है जिससे हम वाटर को फ्रेश करते हैं। अब देखिए लोडिंग एंड कोगुलेशन है, ये क्या है, जैसे वाटर को फ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एलम यानी फिटकरी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो उसमें अनवांटेड मटेरियल होते हैं वाटर के साथ मिले होते हैं वो एलम फिटकरी के साथ जो है क्या होते हैं कुछ हैवी हो जाते हैं और नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जिसे हम अलग कर लेते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में रीड किए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगले वीडियो में हम लोग रीड करेंगे। ओके।